गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रीवियस रिवीजन वर्कशीट ऑफ मैथ्स। व्हाइल सॉल्विंग दिस वर्कशीट यू फेस्ड मेनी डिफिकल्टी इन सब्ट्रैक्शन, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन दिस सब्ट्रैक्शन फैक्ट एंड रिवीजन वर्कशीट ऑफ चैप्टर थर्ड। बेटा कल मैंने देखा जब आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे तो इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। आई थिंक आपको सब्ट्रैक्शन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो आज मैं फिर दोबारा से आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बेटा, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू से बिगर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 4 जो है स्मॉलर है 7 से, तो हम छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, इसको बिगर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साइड वाले से एक हम क्या करेंगे, जो कैरी है उसको बोरो कर लेंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 को हमने एक बोरो कर लिया, 5 में से 1 बोरो किया तो ये क्या बन गया, 14 बन गया। क्या बन गया, 14। 1 बोरो किया तो 14, तो 14 में से 7 को हम निकाल देंगे तो कितना आएगा, 7। हमने 7 लिख दिया। यहाँ से हमने एक बोरो किया था तो यहाँ क्या रह गया, 4। ठीक है, तो 4 रह गया, तो 4 में से 2 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए, ये तो आप कुछ बच्चे इसको कर ले रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जीरो वाले में, कि जीरो में से जब 9 बच्चे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 9 ही लिख दे रहे थे, जो रॉन्ग है। आप देखो, जीरो में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। इसलिए हमने यहाँ से क्या किया, एक कैरी ले लिया, यानी एक हमने यहाँ से बोरो किया, बोरो में से एक उधार ले लिया। 9 में से एक उधार ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 बन गया, तो 10 में से 9 को निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ क्या रह गया, 8। तो 8 में से 8 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से जीरो वाला यहाँ भी है। हमने फिर इसे जीरो में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके तो यहाँ 4 नहीं आएगा, क्योंकि जीरो में से 4 को तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर है ये बिगर है। इसलिए हमने यहाँ से एक क्या लिया, कैरी लिया। कैरी लेके मतलब कि यहाँ से हमने एक हासिल उधार ले लिया, बोरो कर लिया। 9 में से 1 हमने बोरो किया तो 0 का क्या बन गया, 10। 10 में से 4 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 तो यहाँ पर क्या रह गया, 8। तो 8 में से 8 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह सब्ट्रैक्शन आप बच्चों अच्छे से ध्यान से देख के करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करते रहा करिए। ठीक है, तो ये 6 में देखिए, यहाँ भी देखते हैं, 6 में से 9 हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर है और ये बिगर है। तो इसको बिगर बनाने के लिए हमने यहाँ से क्या लिया, एक कैरी, कैरी क्या कर लिया, बोरो कर लिया। तो ये 5 में से 1 बोरो किया हमने तो ये क्या बन गया, 6 का क्या बन गया, 16। 16 बन गया, तो 16 में से 9 को हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ से हमने एक बोरो किया था तो यहाँ क्या रह गया, 4। 4 में से 3 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 7 17। तो इस तरह सब्ट्रैक्शन को आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली करिए। मैंने दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की है, और इसको आप अच्छे से समझिए, और मैं फिर दोबारा आपको सब्ट्रैक्शन फैक्ट के ही सम दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे ये स्टोरी प्रॉब्लम थी, इसमें भी कुछ बच्चों ने क्या किया, प्लस कर दिया। देखिए यहाँ प्लस कैसे होगा, प्लस नहीं होगा, देखो कैसे होगा। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझिए, इसमें क्या कहा है, देयर आर 67 एप्पल्स, कि यहाँ पर 67 एप्पल्स है। ऑफ ऑफ देम 28 गॉट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स मतलब ख़राब हो जाना, कि 67 में 28 जो था एप्पल वो ख़राब हो गया, स्पॉइल्ड हो गया यानी ख़राब हो गया। हाउ मेनी एप्पल्स आर गुड, कि कितने अच्छे थे, उस हमसे ये पूछा गया कितने अच्छे, टोटल एप्पल इतने थे उसमें से इतने ख़राब हो गए, तो गुड एप्पल क्या होगा, 67 में 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 67 में 28 को माइनस करेंगे, और आप सब बच्चों ने इसको क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो रॉन्ग है। जैसे यहाँ 7 आया ना, तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया, ये 17 हुआ, 17 में से 8 को निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ 5 बचा, 5 में 2 गया 3, तो 39 एप्पल्स जो हैं वो गुड होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी सम भी अच्छे से करिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आई थी आपको सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, आप इसको अच्छे से सब्ट्रैक्शन के वीडियो को इसको बार बार देखिए, और उसको देखने के बाद में ये जो वर्कशीट इस टर्न में सेंड कर रही हूँ उसको अच्छे से आप सॉल्व करिए। थैंक यू।